डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज़ में HTML फॉर्म्स का सेकेंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। सेकेंड टॉपिक हमारा है ENC टाइप एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। तो आइए बच्चों, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। द ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म और एन इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कम्प्लीट ऑन आर ऑफ। बच्चों, जब भी फॉर्म के अंदर आप ऑटो कम्प्लीट को यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर दो ही वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं, या तो ऑन कर सकते हैं या तो इसको ऑफ कर सकते हैं। सो व्हेन अ यूज़र स्टार्ट्स टू टाइप इन अ फील्ड, द ब्राउजर शुड डिस्प्ले ऑप्शंस टू फिल इन द फील्ड बेस्ड ऑन अर्लियर टाइप्ड वैल्यूज़। बच्चों, जैसे ये हमारा ये फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर आप राज लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपने RA लिखा, आपने देखा नीचे लिस्ट में आपको राज, राजन के नाम से दो नेम और डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टाइप करने से पहले इसमें राज और राजन को टाइप किया गया है, ठीक है। ये लिस्ट आपको तभी डिस्प्ले होगा जब आप ऑटो कम्प्लीट को ऑन करके रखेंगे, ठीक है। अगर आपने ऑटो कम्प्लीट को ऑफ कर दिया तो ये जो लिस्ट इसके अंदर डिस्प्ले हो रही है, डिसेबल हो जाती है, ठीक है। ऑटो कम्प्लीट को ऑन करने से ये फ़ायदा है कि आप इसमें राज आपको कंप्लीट नहीं लिखना है। जैसे आर्य लिखा, आपने राज दिखा और इस पर्टिकुलर राज के ऊपर बस आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये राज ऑटोमेटिकली इस फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको एक बार हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे ऑटो कम्प्लीट के अंदर हम आते हैं, देखिए अगर आपने इसको यहाँ पे ऑन किया हुआ है, सपोज अगर आपने यहाँ पे इसको ऑन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे जैसे देखिए आपने क्लिक किया इसके ऊपर, तुरंत इसके अंदर जितने भी नेम इससे पहले टाइप हुए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए इसने, है ना। और उसके ऊपर यहाँ पे आपने पासवर्ड फिलअप किया और लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए सबमिट हो गया फॉर्म। अगर आपने यहाँ पे इसको ऑफ किया, ऑटो कम्प्लीट में आए और यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया, और ऑफ करने के बाद मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो लिस्ट डिसेबल हो गई, ठीक है। तो ऑटो कम्प्लीट बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल होता है। अगर आपको कोई फॉर्म है जिसके अंदर बार बार कुछ नेम वगैरह टाइप करने पड़ते हैं, तो अगर आप बार बार टाइप करना है आपको, तो वहाँ पे हमेशा हमको ऑटो कम्प्लीट को ऑन करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम वेस्ट होता है टाइपिंग में वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आज का। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है ENC टाइप एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। द ENC टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी इनकोडेड व्हेन सबमिटिंग इट टू द सर्वर। बच्चों, जब भी आप फील्ड्स के अंदर डेटा एंटर करते हो और एंटर करने के बाद जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तो वो डेटा हमारा सर्वर तक कैसे पहुंचता है ना, उसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें देखिए कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं। पहला होता है हमारा एप्लीकेशन ऑब्लिक एक्स डैश www-form-url encoded। बच्चों, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ठीक है। जब भी आप फॉर्म के अंदर फील्ड्स के अंदर डेटा फिलअप करते हो और डेटा फिलअप करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तो हमारा जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सर्वर तक पहुंचता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल कैरेक्टर्स आर इनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग सेंट टू द सर्वर, ठीक है। इनक्रिप्टेड का मतलब वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो हमारा डेटा है वो टेम्पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। टेम्पर होने का मतलब ये होता है कि उसको हैकिंग के जो चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि डेटा आपने सेंड किया और सेंड करने के बाद पता लगा लास्ट में कोई वहाँ पे कोई हैकर बैठा है, और हैकर ने क्या किया कि वो टेम्पर करना चाहता है, हैक करना चाहता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, तो हैकिंग के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। तो डेटा हमारा यहाँ से इनक्रिप्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा एप्लीकेशन ऑब्लिक एक्स डैश www-form-url encoded जो होता है वो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या होती है, मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डैश डेटा, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डैश डेटा इज़ वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ENC टाइप एट्रीब्यूट विच इज़ यूज्ड इन फॉर्म एलिमेंट दैट हैव अ फाइल अपलोड। बच्चों, जब भी कोई फाइल अपलोड करनी होती है, चाहे वो पिक्चर हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, किसी भी तरीके की कोई फाइल हो, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू आपको यूज़ करनी है वो मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डैश डेटा का यूज़ करना है,
लास्ट वैल्यू हमारी कौन सी होती है, देखिए टेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन। स्पेसेस आर कन्वर्टेड टू प्लस सिंबल्स बट नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर इनकोडेड, है ना। जब भी कोई स्पेस देते हो, कोई दो वर्ड आपने लिखा उसके बीच में अगर आपने स्पेस डाल दिया है तो वो प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए बच्चों इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए HTML हेड टाइटल क्रिएटिंग फॉर्म टाइटल क्लोज हेड क्लोज देन बॉडी। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML, ठीक है। एक्शन फॉर्म डॉट HTML, वैसे यहाँ पे PHP फाइल का हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे HTML फाइल का यूज़ कर लिया है कि आपको समझ में आ जाए कि डेटा हमारा सबमिट कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन फॉर्म डॉट HTML का हमने यूज़ किया हुआ है। उसके आगे देखिए लिखा है ENC टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डैश डेटा, है ना। क्योंकि डेटा क्या करना है, हमको अपनी फाइल को अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए हमको मल्टी पार्ट का ही यूज़ इसके अंदर करना था, तो हमने ENC टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा है अपलोड फाइल इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल टाइप, में यहाँ पे मैंने अब की बार फाइल का यूज़ किया है क्योंकि फाइल हमको अपलोड करना है, और नेम में मैंने यूज़ किया है अपलोड फाइल, ठीक है। जो सर्वर साइड जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होना है जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, वो यहाँ पे हमको डिस्प्ले कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपलोड फाइल लिखा है और इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने सबमिट दिया है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट का बटन यूज़ हुआ है। उसके बाद फॉर्म बॉडी और HTML को मैंने क्लोज कर दिया है। इसको भी प्रैक्टिकली एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा, और प्रैक्टिकली इसको एक बार यहाँ पे हम यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड, यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया मैंने, यहाँ पे लास्ट नेम मैंने यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया। चूज़ फाइल में कोई भी एक फाइल यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, और लास्ट में हमने इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा यहाँ पे मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा, ठीक। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए HTML हेड टाइटल क्रिएटिंग फॉर्म टाइटल क्लोज हेड क्लोज देन बॉडी फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML ENC टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि जैसे ही आप किसी वर्ड्स के बीच में अगर आपने स्पेस डाला हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपने टेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए आपने यूज़ किया है फर्स्ट नेम के अंदर अंकित और लास्ट नेम में कुमार और तिवारी के बीच में आपने स्पेसेस को डाला हुआ है, पासवर्ड लिखा आपने और लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक किया, और आउटपुट में आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कुमार और तिवारी के बीच में यहाँ पर प्लस का सिंबल डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसको भी यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए टेक्स्ट प्लेन हमने ओपन किया है, यहाँ पे लिखा है मैंने टेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन। अब टेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन के अंदर कुछ हमारे फील्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पासवर्ड है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो हमारा आउटपुट है यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे सपोज अमित, यहाँ पर मैंने कुमार सिंह लिखा है, इसमें थोड़ा सा स्पेस है, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा और इसको मैंने सबमिट किया। बच्चों यहाँ पे इसके URL में ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा। प्लस का सिंबल जो भी स्पेस मैंने वहाँ पे डाला था तो उस स्पेस को प्लेन ऑब्लिक टेक्स्ट ने क्या किया, उसको स्पेसेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है ENC टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। बच्चों टारगेट एट्रीब्यूट को हम एंकर टैग के अंदर भी यूज़ कर चुके हैं, फ्रेम के अंदर भी हमने टारगेट को यूज़ किया हुआ है। आइए देखते हैं क्या है टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब्स वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स और डेटा इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। जब आप फील्ड्स के अंदर डेटा एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कौन से पेज पर डिस्प्ले होगा वो डिसाइड करता है हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज है हमारी वो नीचे दिख रही होंगी आपको, ध्यान से देखिए। पहला हमारा है ब्लैंक, ठीक है। सेकंड वैल्यू हमारी आती है सेल्फ, और हमारी थर्ड वैल्यू आती है पेरेंट, एंड लास्ट वैल्यू हमारी जो है वो है टॉप, ठीक है। ब्लैंक क्या होती है देखिए, इट ओपन्स द लिंक इन न्यू विंडो। अगर आप ब्लैंक
वैल्यू का यूज़ करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर, तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो न्यू विंडो में दिखेगा। अगर आप सेल्फ वैल्यू का यूज़ करते हैं तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा, अगर आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, सेम विंडो के अंदर उसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। पेरेंट और टॉप का यूज़ हम लोग फ्रेम के अंदर करते हैं, ठीक है। अगर आप पेरेंट का यूज़ करते हैं तो इट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट, ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्स दिखेगा वो पेरेंट फ्रेम के अंदर दिखेगा। टॉप में देखिए क्या होता है, इट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। अगर आप टॉप वैल्यू का यूज़ करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर तो जो रिस्पॉन्स होगा वो फुल विंडो में आपको दिखेगा। तो आइए इसको हम एक बार प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है, अगर इसको हम ब्लैंक करके देखते हैं एक बार, हमने यहाँ पे ब्लैंक लिखा और अपनी फाइल को मैंने सेव किया और हम यहाँ पे आते हैं टारगेट डॉट एच टी एम एल फाइल के ऊपर और टारगेट डॉट एच टी एम एल फाइल पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमने टाइप किया कुछ नाम और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया, एक कोई फाइल हमने चूज किया इसके अंदर, ओपन किया और यहाँ पे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, ठीक है। इसका जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो न्यू टैब में दिख रहा है, क्योंकि मैंने टारगेट इक्वल टू ब्लैंक कर रखा था इसलिए इसका जो आउटपुट दिखा है वो आपको न्यू टैब के अंदर दिखा, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे सेल्फ कर देते हैं और इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद एक बार हम इसको फिर से रन करके चेक करते हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड लिखा और यहाँ पे कोई भी एक फाइल मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने सबमिट किया यहाँ पे। ये देखिए इसका जो आउटपुट है वो सेम फाइल के अंदर इसने डिस्प्ले कर दिया। इस तरीके से बच्चों हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो हमको ब्लैंक विंडो पे लेना है या सेल्फ पे लेना है या पेरेंट फ्रेम के अंदर उसका रिस्पॉन्स हमको लेना है या फुल विंडो के अंदर लेना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।